हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिन अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा अफेयर की न्यूज देख रही होती है। उसके हस्बैंड की न्यू गर्लफ्रेंड एक मॉडल थी। आंटी बोलती है, आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? लिन अपने हस्बैंड शिंग को कॉल करती है। ये सब क्या चल रहा है? शिंग बोलता है, भूलो मत हमारी शादी एक बिजनेस है। लिन पूछती है, तुम्हें पता भी है मैं कैसी दिखती हूँ? क्योंकि शादी के बाद तुम 5 से 6 बार ही घर आए हो। शिंग बोलता है, मुझे आना भी नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लिन बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी, क्योंकि लिन को भी शिंग से अब छुटकारा चाहिए था। लिन रेडियो के आती है। आंटी बोलती है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, अगर ऐसे शिंग देखेगा तो कभी डिवोर्स नहीं लेगा। लिन बोलती है, आपको ये सीक्रेट रखना होगा। लिन अब्रोड से वापस आती है। उसकी दोस्त दाऊ उसे लेने आती है। तुम तो पूरी बदल गई हो, वैसे शिंग के बारे में क्या कहना है? लिन बोलती है, क्या बोलूं, डिवोर्स हो गया है, उसे तो मेरा फेस भी याद नहीं होगा, एक नंबर का लड़की बाज है। ताऊ बोलती है, तुम अगली बनकर क्यों रहती हो? लिन बोलती है, उसी की वजह से तो डिवोर्स हुआ है। ताऊ बोलती है, अब क्या करना है? लिन बोलती है, कल के मीडिया कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। लिन ने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। एम्प्लॉय बोलती है, आप प्रेसिडेंट से भी मिल लो। लिन प्रेसिडेंट रूम के बाहर थी। प्रेसिडेंट अपनी नई गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। लिन बोलती है, मैं यहाँ नई एम्प्लॉय हूँ। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड शिंग को देखती है। शिंग लिन की डिटेल देख रहा था। लिन सोचती है, पहले चेक करना चाहिए था, इस डेविल का फेस नहीं देखना मुझे। शिंग बोलता, रिज्यूम तो अच्छा है पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। लिन बोलती है, मैंने आपकी बात गलती से सुन ली थी। शिंग बोलता है, अच्छा। लिन सोचती है, इसे तो मेरा नाम भी याद नहीं है, और जा रही थी। शिंग उसके क्लोज आता है। लिन बोलती है, क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। शिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं करना, बस देख रहा हूँ, तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। लिन ये बात दाऊ को बताती है। दाऊ बोलती है, अब क्या करोगी? लिन बोलती है, रिजाइन करने वाली हूँ, वैसे भी मुझे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। दाऊ जा रही थी और शिंग की गर्लफ्रेंड मे से टकरा जाती है। मे दाऊ के शरीर चढ़ जाती है, दिखता नहीं है क्या, मेरा टॉप कितना एक्सपेंसिव है पता है तुम्हें? लिन बोलती है, कितने का है, पैसे दे देती हूँ। मे बोलती है, नहीं, ये मुझे शिंग ने दिया था, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। शिंग बोलता है, जाने भी दो, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। दाऊ और लिन जा रहे थे, तभी शिंग की कार के आगे आ जाते हैं। दाऊ माफी मांगती है, गलती से हुआ है। शिंग बोलता है, कोई बात नहीं। दाऊ लिन को बताती है, वो शिंग था। नेक्स्ट डे लिन रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। मैनेजर बोलती है, कल ही तो आई थी तुम और आज रेजिग्नेशन दे रही हो? लिन बोलती है, मुझे कोई पर्सनल काम है। मैनेजर बोलती है, अब तो आपको प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। लिन शिंग को रेजिग्नेशन लेटर देती है। शिंग बोलते है, क्या रीजन है? लिन बोलती है, पर्सनल रीजन है। शिंग बोलते है, कंपनी को घर समझा है क्या? अगर जाना ही है तो डैमेज पे करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम 3 साल के लिए कंपनी को छोड़ नहीं सकती हो। क्या पढ़ा नहीं था? तुम्हें 5 मिलियन देने होंगे। लिन बोलती है, भला ये क्या बात हुई? दे दूंगी, मुझे पर टाइम चाहिए। शिंग बोलता है, 2 दिन दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं दे पाई तो जॉब पर आ जाना। लिन को मॉर्निंग में दाऊ का कॉल आता है, शिंग ने मुझ पर केस किया है कार एक्सीडेंट के लिए। लिन शिंग से मिलने आती है। शिंग बोलता है, 5 मिलियन देने आई हो क्या? लिन बोलती है, तुमने दाऊ पर केस क्यों किया है, जबकि गलती तो तुम्हारी भी थी। शिंग बोलता है, उसने मे की ड्रेस खराब की थी, मैं उसे कैसे जाने देता? लिन पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? शिंग बोलता है, लगता है मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे एक डील चाहिए, अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दोगी तो मैं दाऊ को जाने दूंगा। लिन बोलती है, ठीक है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। लिन के साथ काम कर रही लड़की जू बोलती है, ये प्रोजेक्ट मत लो, क्योंकि जिसके साथ मीटिंग होने वाली है यानी मिस्टर वी, एक नंबर का लड़की बाज है, इवन फीमेल एम्प्लॉयज को तो परेशान भी करता है, इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट आज तक किसी ने नहीं किया, तुम भी ना बोल दो। लिन दाऊ के बारे में सोच रही थी, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं इसे ना नहीं बोल सकती। लिन जा रही थी और मैं से टकरा जाती है, मैं उसे सुनाने वाली थी, तभी लिन बोलती है, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। मैं शिंग को बोलती है, मुझे ये लिन जरा भी पसंद नहीं है। शिंग उसे बताता है, मैंने मिस्टर वी वाला प्रोजेक्ट उसे दिया है। मैं तो खुश हो जाती है, अब आएगा मजा। लिन मिस्टर वी के असिस्टेंट की बातें सुन रही थी। वी अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा डरता था।
लिन मिस्टर वी से मिलती है। जैसे ही मिस्टर वी को पता चलता है लिन के मीडिया से है, तो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। लिन बोलती है जब टाइम होगा तब आ जाऊंगी। वी रात में बुलाता है, ये सब शिंग को भी पता था। रात में लिन आती है, मिस्टर वी बोलता है तुम तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कैसा हूँ? लिन बोलती है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं मुझे आप वैसे नहीं लगते, और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है। वी बोलता है पहले एक ड्रिंक हो जाए। लिन बोलती है पर हम तो काम की बातें करने वाले थे ना। मिस्टर वी बोलता है एक ड्रिंक तो बनती है ना। जैसे ही लिन ड्रिंक पीती है मिस्टर वी उसकी क्लोज होने लगता है। लिन बोलती है मैंने आपकी वाइफ को कॉल किया था यहाँ आने से पहले। मिस्टर वी बोलते ये क्या बोल रही हो? लिन बोलती है 6 मिनट में वो यहाँ आ जाएंगी, इससे बेटर है आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मिस्टर वीडर की मारी साइन कर देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ बोलती है मैं तो घर पर हूँ। वी समझ जाता है इसने मुझे बेवकूफ बनाया। लिन जा रही थी, मिस्टर वी भी उसके पीछे था। तभी शिंग उसे एक रूम में लाता है। लिन बताती है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। शिंग बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ भी करोगी क्या? वैसे कितनी ड्रिंक की है? लिन बताती है एक ग्लास। शिंग बोलता है ओ एक ग्लास में ऐसी हालत हो गई? वो उसे अपने घर लाता है। लिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिंग बोलता है मैडम ये मेरा ही घर है, वैसे तुम मिस्टर वी के जाल में कैसे फंस सकती हो? लिन बोलती है अब तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? तुमने जानकर वो प्रोजेक्ट मुझे दिया था। शिंग बोलता है ऐसा नहीं है। लिन बोलती है दाव के ऊपर से केस हटा लेना। शिंग बोलता है मुझे याद है। इवन शिंग लिन का नाम यूरोप कंपटीशन में भी दे देता है। लिन बोलती है अब तो मैं जा सकती हूँ ना? शिंग बोलता है ये कंपटीशन इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। लिन भी सोचती है इसके चक्कर में मैं भला क्यों अपने ड्रीम को लात मारूं? लिन बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2 दिन आने की जरूरत नहीं है। लिन अपने भाई लियान से मिलती है। लियान पूछता है तुम वापस कब आई? लिन बोलती है किसी को बताना मत। एक्चुअली में लिन अपने घर नहीं गई थी क्योंकि उसकी शादी शिंग से जबरदस्ती कराई गई थी, इसलिए वो उनसे नाराज थी। लियान पूछता है कहाँ काम करती हो? लिन बताती है के मीडिया में। लियान बोलता है ये तो शिंग की कंपनी है ना? लिन बोलती है मुझे पता है, इन दोनों को यहाँ शिंग और मैं भी देख लेते हैं। मैं बोलती है क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है? कितने प्यारे लग रहे हैं। शिंग बोलता है इसको लियान सूट नहीं करता, मुझ जैसा ही कोई सूट करेगा। शिंग को तो जेलसी हो रही थी, इसीलिए लियान को बोलता है तुम्हारी बहन अब कैसी है? लियान बोलता है तुमसे दूर होकर बहुत खुश है। शिंग लिन को ही देखे जा रहा था। लियान लिन को ले जा रहा होता है। शिंग लिन को काम दे देता है, ये कर लेना कल मॉर्निंग में चाहिए। लिन शिंग का दिया हुआ काम कर रही थी, तभी शिंग का कॉल आता है। क्या कर रही हो तुम, अकेली हो क्या? लिन बताती हाँ, और तुम्हारा दिया हुआ काम कर रही हूँ। शिंग बोलता है वो आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिन सोचती है अभी तो बोल रहा था कल मॉर्निंग में चाहिए, पागल हो गया है क्या? लिन ऑफिस में आती है। शिंग बोलता है कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हारी डिटेल्स चाहिए होगी। लिन सोचती है अगर डिवोर्स के बारे में कुछ भी लिखा तो इसे शक हो जाएगा। लिन कॉम्पिटिशन के लिए एम्प्लॉय से मिलती है। वो बोलता है आप तो कितनी यंग हो फिर भी आपका डिवोर्स हो गया? लिन बोलती हाँ। वो बोलता है जिसने आपको छोड़ा है ना वो पक्का बेवकूफी होगा। मीटिंग के बाद लिन जा रही थी, शिंग उसे रोकता है। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है क्या? लिन पूछती है इसे तुम्हें क्या? शिंग पूछता है कौन है वो लड़का? लिन पूछती है तुम्हें क्या, क्यों जानना है तुम्हें? तुम्हारा भी डिवोर्स हुआ था ना, मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम्हें भी मुझ जैसा ही बनना चाहिए। मैं लियान से मिलने चाहती है, आपको नहीं लगता लियान को आपको अपनी कंपनी में जॉब देनी चाहिए? लियान बोलता है मैंने उसे बोला था पर लिन ने मना कर दिया। मैं बोलती अगर लियान तुम्हारी कंपनी में काम करती है तो जो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं दिला दूंगी। लियान बोलता है लिन यूरोप डिजाइन कंपटीशन में जाने वाली है, मैं उसके ड्रीम को पैसों के लिए बेच नहीं सकता। मैं बोलती है अगर वो शिंग को पसंद करने लगी तो? लियान बोलता है मुझे तो लिन पर ट्रस्ट है, तुम अपना देख लो। शिंग लिन को आर्ट गैलरी लाता है। लिन गिरने वाली थी, शिंग उसे बचाता है। ये मैंने देख लिया था, और बोलती है ये क्या चल रहा है? शिंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस में लिन को लियान का कॉल आता है, आज रात डिनर साथ में करेंगे। शिंग लिन को बुलाता है, तुमने कुछ सोचा क्या डिजाइन के बारे में? लिन बोलती नहीं मैं उस पर सोच ही रही हूँ। शिंग बोलता है आज रात तुम फ्री हो? लिन बोलती नहीं मुझे कहीं जाना है। शिंग बोलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो ना? लिन बोलती हाँ शायद। शिंग बोलता है तो आज तुम ओवर टाइम करोगी, कॉम्पिटिशन जल्दी ही आने वाला है। लिन रात में भी काम कर रही थी। शिंग पूछता डिनर किया क्या? लिन बोलती है नहीं मेरे बॉस ने मुझे आज ओवर टाइम करने को बोला है।
चिंग बोलता है डिनर के लिए थोड़ी मना किया था, चलो साथ में करते हैं। रिन बोलती है कोई जरूरत नहीं है। चिंग बोलता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या अपने घर पर मेरे लिए खाना बनाओ या फिर बाहर चलते हैं। लिन बोलती है बाहर ही चलते हैं। चिंग लिन के क्लोज आता है, तुम्हारा हस्बैंड कैसा था? लिन बोलती है एक नंबर का प्ले बॉय था। तुम अपना बताओ कैसी थी तुम्हारी एक्स वाइफ? चिंग बोलता है बहुत ही बोरिंग थी, पता नहीं कैसे अजीब कपड़े पहनती थी। लिन सोचती है इसीलिए तो डिवोर्स मिला है, और बोलती है अगर हम ऐसे जाएंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। चिंग बोलता है कौन सी गर्लफ्रेंड? लिन बोलती है मैं। चिंग बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले दिन लिन सो रही थी, चिंग उसे देखे जा रहा था, तभी मैं आ जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।